धर्मशाला में होने वाले दशहरा उत्सव पर इस बार वर्ल्ड कप के चलते काफी प्रभाव देखने को मिला है। जहां हर साल दशहरे पर काफी अच्छे स्तर पर मेले का आयोजन किया जाता था, वहां इस बार वर्ल्ड कप के चलते पुलिस मैदान को मुख्य पार्किंग स्थल रखा गया है, जिसके कारण मेले में बहुत कम दुकानें लगाई गई हैं। पुलिस मैदान में होने वाला दशहरा मेला धर्मशाला के मुख्य मेलों में से एक है, पर इस बार वर्ल्ड कप ने इस मेले को साइड लाइन कर दिया। हालांकि वर्ल्ड कप के मैचेस भी धर्मशाला के लिए एक सौगात हैं, लेकिन दशहरा मेले से शहरवासियों की भावनाएं तो जुड़ी ही हैं। धर्मशाला दशहरा कमेटी के सदस्य प्रणव सचदेव ने इस बारे में क्या कहा, सुनिए। मेरे साथ काश्ता जी खड़े हैं, हम धर्मशाला कचहरी अड्डा दशहरी कमेटी के मेंबर्स हैं और आज हम दशहरे के उपलक्ष्य में यहाँ सभी इकट्ठे हुए हैं। सर, इस बार क्या कुछ विशेष जिला स्तरीय इस कार्यक्रम में? इस बार ड्यू टू मैचेस थोड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, पर फिर भी आज हमने पुतले बनकर तैयार हो चुके हैं और 35 से 40 फुट के पुतले हैं और बच्चों की गेम्स करवाने जा रहे हैं अभी हम। और कुछ क्या कुछ अलग है, कितने दिनों के लिए दुकानें लगी हैं और कब इन्हें निर्देश दिए गए हटाने के लिए? ये दुकानें कल से लगी हैं और 26 को इनको निर्देश दिए गए हटाने के लिए। सर, पुतलों में भी जानकारी मिली कि पुतलों का आकार भी छोटा करा गया है, क्या कुछ है? नेचुरली टाइम हमारे पास कम था तो इस करके ये सारी चीज़ें करी गई है। सर, और थोड़ा डिटेल में जानकारी देंगे कि पुतलों में क्या कुछ गिरावट करी गई हाइट में और? नेचुरली टाइम के अनुसार, जब टाइम ही हमारे पास 2 से 3 दिन का बीच में समय कम था तो यही फैसला लिया गया कि ये दशहरा तो हर हालत में मनाना है, तो इसके लिए थोड़ा सा इसके आकार के साथ कम्प्रोमाइज वगैरह किया गया। सर, सांस्कृतिक संध्या भी इस बार नहीं रखी गई है, तो उसके अलावा क्या कुछ और विशेष किया जा रहा है या इसी तरह? नहीं, इसी तरह इस बार दशहरा उतने उल्लास के साथ नहीं मनाया जा रहा। इस बार हम तैयारी करने, क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी रही और ग्राउंड भी हमें कल ही मिला है, तो तैयारी हम उस लेवल पे नहीं कर पाए जिस लेवल पे हम दशहरा मनाते हैं। वहीं धर्मशाला में लगाए जाने वाले रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले के कारीगर श्यामलाल ने जानकारी देते हुए बताया कि मैचों के चलते इस बार पुतलों का साइज 30 से 35 फीट रखा गया है, जो कि पहले 45 से 50 फीट के बीच रहता था। श्यामलाल, कहाँ के रहने वाले हैं? महेंद्रगढ़, हरियाणा, जन्मभूमि दादरी। आज धर्मशाला में आप पुतले लेके आए हैं, क्या कुछ इनकी हाइट है, इनके बारे में जानकारी दें। 30-30 फुट का है और एक 35 फुट का है। दो जो 30-30 फुट के हैं उनको किस नाम से हैं वो दोनों पुतले? रावण और कुंभकर्ण मेघनाथ। रावण की 35 फुट और मेघनाथ की 30 फुट और कुंभकर्ण की 30 फुट। अच्छा, आपको इस चीज़ का मतलब क्या एक्सपीरियंस रहा है और आप कब से बनाते हैं, क्या पहले भी आप आ चुके हैं? हाँ, पहले भी आ चुका हूँ मैं, और पता नहीं, मैंने तो बचपन में ही सीखे थे। अच्छा, और इस बार मतलब साइज की भी कुछ गिरावट करी गई है पुतलों के? हाँ जी। कितना गिरावट करी गई? पहले कैसे रहते थे, इस बार कैसे? पहले अच्छे रहते थे, पहले अच्छा अमाउंट मिलता था। लमसम कितनी हाइट के पहले रहते थे पुतले? यहाँ 65 में उतना 45 फुट का रहता था, 50 फुट का रहता। हाँ जी। Make sure to press like and drop a comment. Please don't forget to subscribe to the News Radar.